तो चलिए बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज से क्या है कि एयरफोर्स का तो एग्जाम स्टार्ट हो ही गए है ना, और नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे अब तो लगभग मार्च में होंगे है ना, तो काफ़ी टाइम है, इसीलिए नए सिरे से स्टार्ट करते हैं आज एकदम नया चैप्टर, ठीक? सबके काम आएगा, जिनका हो गया होगा तो रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज प्रोग्रेशन, ठीक है? श्रेणियां कहते हैं इसको, प्रोग्रेशन। हाँ, तो चैप्टर लिखना स्टार्ट कर दो, प्रोग्रेशन। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, एकदम नया चैप्टर, सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दो। चैप्टर का नाम प्रोग्रेशन, श्रेणी, हुआ है कि नहीं? तो पढ़ा हुआ है, सब कुछ पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो नया टॉपिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ है तो पता होगा तीन तरह के होते हैं। एक होता है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में समांतर, श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और ये होती है रात्मक श्रेणी, ठीक है? एक एक चीज लिखना स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर ऐसे इंतजार करोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई तभी नोट करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि कब इंपॉर्टेंट चीज निकल गई, तो इसलिए जो मालूम है वो भी, नहीं मालूम तो भी नोट करते चलो। मैट्रिक्स के बचा हुआ पार्ट और प्रैक्टिस करवा देंगे भानु, भानु दाकार मैट्रिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है वो करवा देंगे, इसीलिए कोई बात नहीं है, इसको जरा स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो मार्च में लगभग होगा, तो सारे टॉपिक्स करना ही है, कंप्लीट हो जाएंगे सबके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? एपी। चलिए बेटा एपी पे आते हैं। तो एपी, अब अपना जो तरीका वही है कि एपी क्या चैप्टर है, कैसे कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्या करना होता है, इसकी हम एक लिस्ट पहले बना लेते हैं, ये हमारा तरीका है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की एक लिस्ट बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो बेटा नोट कर लेना, इसको हम आउटलाइन कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, एपी होती क्या है और उसका एंथ टर्म, एंथ टर्म मतलब इसको हिंदी में कहते हैं एनवा पद। एपी क्या होती है, उसका एनवा पद, प्रारंभ से एनवा पद, अंत से एनवा पद, ये चीजें इसमें बता देंगे। सेकंड नंबर पे आएगा सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग। और थर्ड नंबर पे आएगा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, एम भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, एम
एम अर्थमेटिक मीन, तो कोई भी दो टर्म दिए उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो, एन पद दिए हो उसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो, अर्थमेटिक मीन जो है उनका सम निकालना हो, तो इसमें डेटा चीज में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इसका नोट करो, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी के गुणधर्म, एपी के गुण। और फिफ्थ बात होती है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, पदों का चयन करना। पदों का चयन, ठीक है। अगर मोटे तौर पे देखें तो एपी में ये पांच चीजें पढ़नी है और उसके बारे में पढ़ना इसका डिटेल। ठीक है, तो अभी एक बालक के कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें लिखे हुए कि सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में। तो सही कह रहा है क्या वो? सही कह रहा है, हिंदी नहीं लिखी हुई है, नहीं उसको सब दिखेगा, पूरा बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम दिखेगा, बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम दिखेगा, सेम टू सेम, ब्लर ब्लर नहीं आएगा, ऐसा नहीं धुंधला नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, डिजिटल बोर्ड है, वैसा बोर्ड नहीं है। तो इस पर बिल्कुल जैसा यहाँ दिख रहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा दिखेगा, तुम जैसे कैमरे में देख रहे होगे ना, बिल्कुल जैसा दिखेगा, जैसा लिखा हुआ वैसा दिखेगा। वैसा अपना अगर व्हाइट बोर्ड होता है तो यहाँ कुछ और दिखेगा, कैमरे में कुछ और दिखेगा, उसके नेट के कारण कुछ और दिखेगा, पर यह डिजिटल बोर्ड के कारण उसको बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर उसकी शिकायत यह है कि सर हिंदी में आप नहीं बोल रहे हो, हिंदी में नहीं लिख रहे हो, तो आप इतना हिंदी से ज़्यादा और हिंदी क्या लिखेंगे बताओ? इससे ज़्यादा और हिंदी की जरूरत है क्या? तुम्हारा हिंदी मीडियम है क्या? हिंदी मीडियम है तुम्हारा? इंग्लिश मीडियम है तुम्हारा? हिंदी मीडियम है, तो जो हमने हिंदी लिखा हुआ है उसके हिसाब से कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही है कि देखो आप कोशिश तो करते हैं, अब तुम ये कहो कि प्योर हिंदी, हिंदी ओनली लिखें, ओनली हिंदी, उसमें दिक्कत होगी, तुम खुद समझ रहे हो अभी दोनों साथ चल रही है, अभी तुम समझ रहे हो दो बच्चे हैं, उसमें भी एक इंग्लिश का एक हिंदी का है, अगर प्योर हिंदी लिखते हैं तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा बेचारा, उसको समझ आएगा अभी, है ना। और अगर हम अपने स्टाइल में चले बिल्कुल प्योर इंग्लिश चलेंगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब सुनने आ गया होगा, सिस्टम ये है कि सभी बच्चे रहते हैं हिंदी इंग्लिश के, तो इसीलिए ऐसी मिक्स लैंग्वेज चलानी ही पड़ती है, ये टीचर की मजबूरी होती है, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा पॉसिबल हो कहीं कि प्योर हिंदी मीडियम के बैच हो तो ठीक है, फिर टीचर को हिंदी पढ़ानी पड़ेगा, प्योर इंग्लिश मीडियम बैच हो तो टीचर को इंग्लिश में पढ़ाना ही पड़ेगा, फिर तो उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता कुछ भी। लेकिन ये तो सिस्टम सुनने आ रहा है कि मिक्स बच्चे रहते हैं, इसीलिए ऐसी मिक्स लैंग्वेज यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें टीचर का कोई काम नहीं है, टीचर की अपनी वो नहीं है, स्टाइल की नहीं, वो ऐसे चलता है, वो उसकी मजबूरी होती है, ये मान के चलना, ठीक है। तो ये सारे पांच पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ना है, नोट कर लिए। अब क्या रहेगा कि हमें सब पता रहेगा, जैसे मान लो हमने आज ये स्टार्ट किया, अब कल आए तो कल तुम ये पूछोगे नहीं सर क्या चलने वाला है, सर क्या हो गया क्या रह गया, तुम्हें खुद पता रहेगा कि ये आपने पढ़ा दिया, ये रह गया था, अब ये होगा, अब ये होगा। मान लो बीच में कभी आ गए हम, तो मान लो यहाँ चल रहे हैं तो तुम्हें पता होगा कि नहीं सर इसके पहले इतने हो गए होंगे, ये चल रहा है उसके बाद ये हो रह गया, तो फिक्स है चीज, ठीक। और इतना पढ़ने के बाद कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, समझ गए। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो पता चल रहा होगा कि हाँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होती है, ठीक। तो चलिए बेटा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट था क्या? एंथ टर्म, है ना, या पहले एपी और उसके बाद उसका एंथ टर्म। तो यहीं से शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि एपी होती क्या चीज़ है ना। मालूम होगा कोई बात नहीं, एक बार देख लेना है। तो जैसे कि मान लो जनरली तो ये ऐसी होती है, ए ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, ऐसी चलती आती है। इसमें जरूरत पड़ती है हमें सबसे पहले क्या, इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद। तो क्या होता है उसका? प्रथम पद ए होता है, ठीक।
दूसरी बात आती है, अब ये एपी अगर है तो खास बात क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो डी बच गया, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो तो 2d-d बच गया। तो इस तरह के अगर टर्म्स दिए रहते हैं कि पास वाले दो टर्म्स को अगर माइनस करके देखें तो समान चीज आती है, तब तो उसको कहते हैं एपी। ठीक, एपी समांतर श्रेणी। तो पहला पद हमेशा ए रहता है इसका, ए बोलते हैं इसको। अब सेकंड नंबर आता है क्या इसका, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसको बोलते हैं सार अंतर। कोई बात नहीं, एक ही बात है, सार अंतर और पदांतर एक ही बात है ना, पदा अनुपात नहीं बोलते, क्या बोल रहे थे, पदांतर नहीं है, ठीक है, सार अंतर, ठीक है। ठीक है, वो पदों का अनुपात वहाँ जीपी में तो कह देते हैं अच्छा लगता है पदानुपात, लेकिन यहाँ पर पदानंतर लिखने में थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, तो इसको कहते हैं सार अंतर। ठीक है, तो सार अंतर इसको ना हमेशा डी से इंडिकेट करते हैं। और क्या होता है ये, तरह से T2-T1 या T3-T2 ऐसे करते आते हैं अपन। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो या थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, एक ही बात आती है। और उसको कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार अंतर। सार अंतर एपी का फुल फॉर्म क्या है, एपी का फुल फॉर्म होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, हुआ है कुछ भी अभी मिटा नहीं, वो तो ऐसे बात चल रही थी कि एपी क्या होता है, ये प्रश्न कितने हैं वो सब, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई है। और एपी का फुल फॉर्म समांतर श्रेणी कहते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो लिखा था, साथ ही लिखा था गाइडेंस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में भी पूरा फुल नाम। तो ऐसा शुरुआत करना ठीक है क्या, कि एपी क्या होती है बताना ठीक है, कारण उसका समझ रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने एपी पढ़ी नहीं है, तो तभी बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे सर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश में लिखा हमने, क्योंकि पहले हमने लगा कि साथ पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं, फिर भी एक आध को ऐसा रहता है नहीं पढ़ा हुआ, तो कोई बात नहीं है, तो शुरुआत करनी पड़ेगी इसलिए से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, आप इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट बात जो आती है वो होता है इसका एंथ टर्म। तो एंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब प्रारंभ से अनवा पद, प्रारंभ से अनवा पद टी एन लिखते हैं, ए एन लिखते हैं, जो भी लिखना हो, एन लिखना हो, A+(n-1)(d)। ठीक है, यदि आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मिटा के दोबारा लिख देते हैं। टी एन यानी कि एन, A+(n-1)(d)। अब ठीक है, हाँ ये सिंबल है, टी एम और एन सिंबल है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, एक फार्मूला है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मार्क कर दिया है, नोट कर ले सभी। एंथ टर्म चलिए बेटा, तो टी एन इक्वल टू ये हो गया है ना। अब इसका फोर्थ नंबर लिखो, यहां पर फोर्थ लिखो, एंथ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि अंत से एनवा पद, बोलो क्या होता है,
याद है, कोई बात नहीं। तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस इंटू डी, अंत से n पर, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे, नोट करो, सब एग्जाम्पल देंगे, टेंशन मत लो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी चिंता नहीं करो, अभी फॉर्मूले लिख रहे हैं, अभी एग्जाम्पल देंगे। और चित्र नंबर पे लिखो बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी n निकालना हो, n तो n इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, एल माइनस ए प्लस बी अपॉन डी आ जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लो, n इक्वल टू एल माइनस ए प्लस डी अपॉन डी, n निकालना हो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसको भी जरा मार्क कर लो, ये भी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया ये। तो फिलहाल तीन चीजें सामने लिखी हुई हैं, एनवा पद प्रारंभ से अंत से एनवा पद और एन निकालने का फॉर्मूला है ना, तीनों का पहले यूज बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। सबने लिख लिया, चलो बेटा तेरा यूज देखो ना, फॉर्मूला याद रखना, तीन चीजें बताइए खासकर, अभी प्रारंभ से एनवा पद, अंत से एनवा पद और एन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं क्या है ये। तो मान लो इसका ये कोई एग्जाम्पल लिया हमने, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, टू फोर, ठीक है, टू फोर सिक्स और एक, मान लो लास्ट में कितना है, 2020, चलो ठीक। तो बताओ ये एपी है क्या, 4 माइनस 2 द्वारा, 4 माइनस 2 और थोड़ा फास्ट कर देते हैं, तो 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, लेटेस्ट आ जाएगा एपी है। अब एपी है तो इसका पहला पद कितना है 2, बी कितना है 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया, एल कितना है 2020 दिया था हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होता है, पहला क्वेश्चन मान लो पूछा इन्होंने कि प्रारंभ से कितना दसवां पद, प्रारंभ से दसवां पद, टेंथ टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग, समझ लोगे क्या इसमें लिखते हैं, क्या टेंथ टर्म, टेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या आ गया अपना टेंथ टर्म, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 2, 10 माइनस 1 9, डी की वैल्यू भी 2, 9 दुना 18, तो 20 इसका आंसर आ गया, सिंपल है, खुद कर लो बेटा। बेटा अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया ये, ठीक है, प्रारंभ से पद निकालना तो उसमें रोते नहीं, लेकिन अभी हमने लिखा क्यों पूरा, क्योंकि अभी इसमें तीन काम करना है, प्रारंभ से निकाला, अभी एम से निकालेंगे, फिर एम की वैल्यू निकालेंगे, तो तीन हमने फॉर्मूले लिखे थे, उन सबका यूज करने के लिए हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है, नोट कर दिया सब चीज, जितना भी सामने आया अच्छे नोट करो। क्योंकि अगर हम हर कंडीशन में तैयार रहेंगे तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, तो केवल मौके का इंतजार करेंगे तो पता नहीं चलेगा मौका कब आगे निकल गया, ठीक है, या कभी कभी मौका परेशान भी कर सकता है। क्योंकि फिर जहां एकदम से दिक्कत आएगी, एकदम से कोई कॉन्सेप्ट अच्छा आएगा, फिर वहां एकदम समझ में भी नहीं आता हो, तो इसलिए लिंक से उत्तर चलना चाहिए पूरा, हो गया बेटा ये। हाँ बेटा, कौन से आंसर आएगा 20, और बेटा ये बफरिंग जो हो रही है उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो नेट की प्रॉब्लम होती है बेटा, जो बफरिंग है वो नेट की प्रॉब्लम है, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, हमको कुछ कर ही नहीं पाएंगे कम से कम, है ना, ऑनलाइन में जो बफरिंग वफरिंग होती है वो नेट की प्रॉब्लम है, उसमें क्या कर लेगा, हाँ वो डिवाइस के कारण लगाता है, उनके यहाँ स्पीड कुछ कम हो सकती है, अपने यहाँ कोई स्पीड कम हो सकती है, अब इतना बड़ा सेटअप जमा रखा है पूरा, इतना ब्रॉडबैंड ले रखा है, उसके बाद भी स्पीड कम आ रही है, तो ये तो घपला चल रहा है, कंपनी वालों का घपला है। चलिए बेटा,
तो अब मान लो सेकंड क्वेश्चन ऐसा कभी होता है, इसमें लिखा होता है कि अंत से मान लो कौन सा दसवां पद, अंत से दसवां पद क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, टेंथ टर्म फ्रॉम एंड। तो सिंपल है, फार्मूला ये लिखा था आपने, एल माइनस एन माइनस वन इनपुट डी लिखा हुआ था, एल कितना 2020 है, माइनस एन कितना 10, तो 10 माइनस वन कितना 9 हो गया, 9 इंटू कितना डी कितना आया था 2, तो 2020 में से 9 × 18 कम कर लो तो कितना आ गया 2002। लिखो बेटा आंसर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आ रहा है, किसी कोई पद निकालना हो तो सीधे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कुछ इसमें तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले का यूज करना है। बिल्कुल सही आंसर आ गया, 2002। आंसर सही है। आप थर्ड कंडीशन पे आ गए, तो अब इसमें कितने कुल पद होंगे ये पता करना है। तो हमने तो फार्मूला बताया था अभी, उसका हम यूज बताते हैं। अगर उस फार्मूले का यूज नहीं करते, अगर वो फार्मूला नहीं बताते, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। उसमें क्या करते, उसमें तुम क्या करते, अभी तक जो करते आए हो वो ऐसा करते आए थे कि सर हम ना उसमें क्या करते हैं, ये फार्मूला लगा लेते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से L की वैल्यू रख देते हैं, A की वैल्यू रख देते हैं, B की वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर करा के फिर N आ जाता है। तो ऐसा करने हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, वो उससे अपना टाइम बच जाएगा। तो कुछ नए नए फॉर्मूले भी सीखने ही हैं। तो चलिए बेटा निकालते हैं, यहाँ पर N कितना है, एन तो क्या था अपना, एन थर्ड क्वेश्चन है, इसके पदों की संख्या निकालना है। तो एल माइनस ए फॉर्मूला तो मालूम था, एल माइनस ए प्लस बी अपॉन डी, एल की वैल्यू कितनी है 2020, माइनस ए कितना आया था 2, प्लस बी कितना आया था 2 अपॉन 2, 2 कट गया, 2020 अपॉन 2 1010। देखो जरा कैलकुलेशन सही है क्या हमारा, पदों की संख्या कितनी आ गई है 1010। कैलकुलेशन चेक करो सही है क्या, सही है। बेटा हम फास्ट करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर दिया हमारी, जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो पर चेक कर लिया करो, ठीक है। और दूसरा ये कारण है बेटा कि तुम्हें भी पहले तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद तुम्हें भी जितना हम फास्ट बोल रहे हैं या चल रहे हैं, तुम्हें भी उतने फास्ट चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर तुमने फास्ट कर लिया तो टाइम बचा लोगे। एग्जाम में दो तरह से टाइम बचता है, एक तो ट्रिक से टाइम बचता है, दूसरा अपनी स्पीड से भी टाइम बचता है। अगर स्पीड फास्ट होगी तो टाइम बचेगा, कम टाइम लगेगा, स्लो चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगना ही लगना है। और मालूम है कि टाइम वहाँ पर होता है कम, 15 मिनट का टाइम होता है, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो स्पीड से चलोगे तो क्वेश्चन कर लोगे, और अगर वही तुम स्लो चले तो फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। तो धीरे धीरे तुम्हें भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन जल्दी कर लें, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हम तो चाहे तो स्लो चल सकते हैं, हम तुम्हें स्लो पढ़ा सकते हैं, स्लो समझा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, तुम भी अपनी हैबिट को चेंज करो, अपनी आदत बनाओ जिससे प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ प्रैक्टिस होगी एग्जाम में कर लोगे, यहाँ प्रैक्टिस अगर तुमने फास्ट नहीं की तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। सिंपल तरीका है, सिंपल सी बात है ना, और ये चीज तुम आगे अपने आप समझ आने लगेगी या तो मालूम ही होगी, सही है। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले थोड़ा सा आराम से चलो भले, कोई बात नहीं है, पर धीरे धीरे कर करके प्रैक्टिस थोड़ा फास्ट कर लो, ठीक है। तीनों फॉर्मूले का यूज समझ आ गया, प्रारंभ से अनवा पद, अंत से अनवा पद और पदों की संख्या, ठीक है। तो बताओ एक एग्जाम्पल और लेना इस तरह का, नहीं ले ले, अच्छा यार तो चले कर लेना, पर और फिर प्रैक्टिस के लिए अपने पास बहुत क्वेश्चन थे, अभी जो सीट निकाली थी उसमें
इसमें ना काफी क्वेश्चन डले हुए हैं तो वो कर लेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल बहुत है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जो भी नंबर था अपना मान लो 3 हो गया, तो चलो 4th डालो और उसमें लिखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड ऑफ एन एपीआर कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू ए प्लस एल। कहने का मतलब हिंदी में है कि किसी भी एपी के फिलहाल ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझ आ रही क्या? तो बेटा आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आ गया है ना? अब अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहले शॉर्ट में वो समझा देते हैं, फिर एग्जांपल से समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट उसमें ऐसा था बेटा, शॉर्ट में समझ लो, यहाँ पर अभी हमने लिखा था प्रारंभ से एन पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, और अंत से क्या था अपना, अंत से एन पद था एल माइनस एन माइनस वन इन टू डी, और मान लो इनको प्लस करना है, प्लस सम करना है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो बच गया, क्या बच गया अपना, ए प्लस एल बच गया, बच गया। तो ये तो है कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा आपको बता दिया। अब विद एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो, एक एग्जाम्पल से बता देते हैं कि ये मीनिंग क्या होती है। कभी मान लो पूछ लिया जाए कभी, तो मीनिंग समझ लो उसके लिए। एग्जाम्पल ले लिया दूसरा, चलो क्या ले रहे हैं, मान लो 1, 3, 5 दैट इज 2019, ठीक है, ऐसा कुछ है। पहला टर्म इसका कितना है, 1 है, डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और एल कितना है इसका, 2019 है, ठीक। और अब इसमें पूछा मान लो प्रारंभ से दसवां पद और अंत से दसवां पद का योग। क्वेश्चन है इसमें कि प्रारंभ व अंत से
अंत से दसवें पदों का योग अगर मान लो ये पूछा जाए, ठीक है, सम ऑफ टेंथ फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, सम ऑफ टेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, हाँ तो ये इंग्लिश मीडियम तुम्हारा है, एक तो क्या थोड़ा स्पीड हमारी ज्यादा रहती है इसलिए थोड़े राइटिंग खराब है, बट ये बताओ ईमानदारी से कि ऐसा जो घसीटा लिखते हैं वो सुनने आ जाता है कि नहीं? हाँ अगर सुनते रहोगे तो सुनने आ रही होगी, हाँ और फिर बोल भी रहे हैं, तो अब अगर मान लो ऐसा लगेगा कि सर राइटिंग खराब है समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा राइटिंग सुधार देंगे हम, हाँ ये होती है बात, कितनी सुनने आएगा पूछ लेंगे हम, और चुपचाप बैठ रहने से कोई फायदा नहीं, छोटे बच्चे तो हो नहीं हो कि अपने आप सब कुछ आएगा, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आते क्यों हैं, टीचर से पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ भी डाउट होगा तो हम टीचर से पूछ लेंगे हम, है ना, केवल ये सोच के मत बैठो कि वो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, जहाँ भी दिक्कत रहेगी जिस भी तरह की तो वो पूछ लेंगे सर, तो इसलिए तो कितना अभी हमने मालूम था कितना ए प्लस एल था, तो डायरेक्ट अगर ए प्लस एल मालूम है तो आंसर आ गया अपना 1+2019 यानी कि आ गया 2020, अगर डायरेक्ट मालूम है तो 2 सेकंड में आंसर आ गया, और नहीं मालूम है तो फिर दोनों टर्म्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे, तो अगर वैसा करोगे तुम तो टाइम लग जाएगा, क्या आएगा अपना 10th term फ्रॉम दी बिगिनिंग, तो 10th term आएगा 8+9d, ये है 1, 9 और डी इतना 2, 9 दुना 18 19 आएगा, और एंड से अगर निकालना होगा कभी 10th term मान लो तो l-n-1 × d करना पड़ेगा, तो एल कितना था 2019 - 9 और डी कितना आया था 2, तो 2019 - 9 × 18 यानी कि आता 2001, अब ये 2001 है और ये कितना 19 है, इन दोनों का सम चाहिए तो प्लस कर लो 19 और 1 20 अपने हो रहा है, तो ये आंसर चेंज हो गया, हाँ आंसर सेम आ रहा बेटा सेम, अगर इसमें 20वां पद भी पूछा जाएगा तो अभी आंसर सेम आएगा, अभी चेक करके दिखा लेते हैं तुम्हें, पहले इसको नोट कर लो एक बार, अगर 20वें पदों का योग भी पूछा जाएगा तो आंसर कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए, और इस बात को अभी चेक कर लेते हैं, ठीक बेटा, तो बता तुम चेक करना चाहोगे कि हम चेक करें, सिंपल सी बात, 10वां पद पूछ रहे 20वां पद पूछ रहे कोई सा पद पूछ रहे हो समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो चेक तो नहीं करना, ठीक कंप्लीट करना बेटा इसको, अरे बेटा कुलदीप एल की वैल्यू निकालते नहीं है वो उसमें दी रहती है, लास्ट टर्म वैसे निकालते नहीं है वो तो उसमें क्वेश्चन दी रहेगी, बार बार लिख पाते हैं और ये लेक्चर कभी कभी यूट्यूब पे भी डाल देते हैं तो वो फिर सब मीडिया के सामने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अब बच्चे देख रहे होंगे यहाँ के देख रहे हैं कोई यूपी में देख रहा होगा, अरे सब कैसा है मास्टर कैसा है पढ़ाता कैसा बोलता कैसे पढ़ाता तो ठीक है लेकिन सब कैसे खतरनाक हो जाते हैं आमने सामने की बात होना तो एक बार चली जाती है, चलो खैर तो चेक कर लिया, तो बेटा कुलदीप याद रखना एल निकाला नहीं जाता कभी कोई पूछा नहीं जाता, अब तुम अगर कह रहे हो तो देखो बेटा तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं कि मान लो ये लिखा होता 5, 10, 15 मान लो 20 और डेड डेड डेस, अब बताओ इसका तुम एल कहाँ से निकाल लोगे, कोई लिमिट है क्या आगे चलने की, इसके आगे चलने की लिमिट तो नहीं है ना, अब कहाँ से निकालोगे तुम लास्ट, इसका लास्ट होता ही नहीं कुछ, कैसे निकाल लोगे लास्ट, अब मान लो प्लेन रोड है चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अगर आगे जब तक समुद्र नहीं आएगा तब तक तुम रुकोगे ही नहीं, तो ऐसे ही है अगर डेड डेस कर दिया तो इसका कोई एंड नहीं हो रही है, तो जिससे कि हम क्या हो इसका लास्ट तक निकालने की, तो बात में सुनने आ गई होगी कि लास्ट में कैसे निकाला नहीं जाता, हाँ अब तुम बुलाओगे सर यही बोला, तो चलो बेटा फिर तो ये क्लियर हो गया,
ना प्रारंभ से अनुपद निकालना हो, अंत से अनुपद निकालना हो और उनका योग निकालना हो, एन की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसा कर सकते हैं अपन। और कॉन्सेप्ट के लिए इतने एग्जाम्पल ठीक हैं, प्रैक्टिस के लिए अपने पास और भी क्वेश्चन बहुत ढेर सारे इसमें डले हुए हैं। एक बार कॉन्सेप्ट सब हो जाएंगे फिर उसके बाद सीधे तरफ से क्वेश्चन करवाएंगे और ढेर क्वेश्चन करवाएंगे और वो तुम्हें भी मटेरियल मिल जाएगा, तुम खुद घर पर करोगे, बाकी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट में। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या था बोलो? नहीं, ये था सम ऑफ एन टर्म्स, नहीं हुआ अभी, इस पे आ गया। तो हमने जो पॉइंट लिखे उसके हिसाब से तुम्हें मालूम चल रहा है कि अब इसके आगे सम ऑफ एन टर्म्स आएगा। तो चलिए बेटा कॉन्सेप्ट नंबर टू पे आते हैं और ये अपना सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग ज्ञात करना। तो पहला इसका फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। फार्मूले हैं इसलिए हमने डिफरेंट कलर से लिख दिया है, पता रहेगा कि यहाँ ये कुछ फार्मूले हैं। दूसरा इसका फार्मूला बनता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, जिससे कभी मान लो कभी डाउनलोड उसको अपलोड कभी कर दें, यूट्यूब पे कर दें, कहीं भी कर दें, मान लो रिकॉर्डिंग में रहे तो डिफरेंट अलग ही दिखे कि हाँ ये कुछ नया, ये कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इसका थर्ड फार्मूला लिखो बेटा, ये ड्राइव फार्मूला है एस एन इक्वल टू, ये बहुत काम आएगा, एल माइनस ए प्लस डी अपॉन टू डी और ब्रैकेट में ये ए प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला मालूम चले जाए तो वैसे तो मालूम है यहां पर एन लिखा हुआ है, ये एन देख रहे हो, ये एन लिखा हुआ है, यहां पर एन लिखा हुआ है और एन के लिए हमने बता दिया था एल माइनस ए प्लस डी अपॉन टू होता है, डी होता है। तो ये हो गया अपना क्या एन, ये एन हो गया तो एन बाई टू बन गया अपना। तो इसी से हमने इसको डाल लिख दिया है, अगर ये मालूम चल गया एक बार तुमने अगर ये देख लिया है तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लिखो, ये नोट कर लो पहले बेटा सब जल्दी से। छोटी मोटी चीजें ड्रा कर देते हैं, टाइम बचेगा तुम्हारा और कुछ नहीं है। अगर एक बार आइडिया है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है तो सीधे वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना 5 सेकंड, ठीक है, केवल 5 सेकंड में। तो ये बेटा लिख लिया, आगे बढ़ो, 2020 से आगे बढ़ो, 2021 आने वाला है, आगे बढ़ो। हाँ बेटा अमीश, वो टॉपिक कुछ रह गया था मैट्रिक्स का, उसको अलग से फिर से अभी करवा देंगे। वो मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक रह गए थे करवा देंगे, अमीश मैट्रिक्स के टॉपिक्स रह गए थे वो करवा देंगे, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हमारा ये जो तरीका है उससे बच्चों को पता चल जाता है। मैट्रिक्स अभी चल रहा था 2-3 दिन पहले, अब बच्चों को कमेंट्स आ रहा है कि सर मैट्रिक्स का कुछ टॉपिक रह गया था, कैसे काम चल गई? पहले हमने फुल लिस्ट बना ली थी, ठीक, अब पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में कुछ एक दो टॉपिक रह गए, वो हमने नहीं करवाया कल, आज नया टॉपिक शुरू कर दिया, अब जो पता चल रहा है अरे सर वो आपने बताया दो टॉपिक रह गए। तो ऐसी आउटलाइन लिखने से बहुत फायदा होता है, पता रहता है कि क्या हो गया क्या रह गया है। और खुद जब रिविजन करने बैठोगे तो तुम पहले ही देख लोगे कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है और एक एक करके टिक लगाते जाओगे, ये मैंने पढ़ लिया जो मुझे आ गया, ये पढ़ लिया जो मुझे आ गया, ये पढ़ लिया जो मुझे आ गया और ये मेरा भी रह गया, ये और पढ़ना है। तुम्हें खुद पता रहेगा कि मैंने पढ़ क्या कर लिया, ऐसा नहीं चैप्टर पढ़ लिया एपी स्टार्ट कर दिया, 2-3 चीजें पढ़ ली, एंटर का फॉर्मूला पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिया, हो गया मेरे एपी खत्म, पता नहीं था इसमें था क्या क्या चीज, पढ़ के चले गए और पता चला वहां जो क्वेश्चन आया वो बने नहीं थे, क्यों? क्योंकि पूरा पढ़ा ही नहीं था।
सही है। तो ऐसी आठ बार लिखने से बहुत फायदा होता है। और ये बच्चे हम अपने आप बता रहे हैं आंसर वो सही था और वो आपने थोड़ा तो छूट गया था, कोई बात नहीं, चलो। तो क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल मान लो उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना, सेकेंड टर्म क्या है इसका, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म है मान लो बी, और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ सी, और पदों का योग पूछा है इसने, बता अगला कितना आंसर आया है, पता करो बेटा। पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, और पदों का योग निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डी निकाल ही लोगे, टी टू मास टी वन होता है, डी होता है ना, टी टू मास टी वन, जल्दी पुट करो बेटा आंसर बता क्या है, हम तो 5 सेकंड में लिख ही देंगे आंसर। सॉल्व करो बेटा सब लोग, कॉन्सेप्ट सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉल्व करके बताओ। और अगर तुम सॉल्व करते हो तो चलो तुम्हारे आंसर ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन लिख दिया क्या, ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला ऑप्शन मान लो आ गया अपना कितना बी माइनस ए अपॉन टू इंटू ए प्लस सी, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया ए प्लस बी अपॉन टू इंटू ए प्लस सी, तीसरा ऑप्शन क्या आ गया, तीसरा ऑप्शन ए प्लस सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए और ए प्लस सी और डी नन। चलो बता रहा क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ये नहीं आ रही है, ये सी, हाँ एल, एल कितना था अपना सी, तो सी माइनस ए कितना है ए प्लस डी, डी कितना आएगा बी माइनस ए अपॉन टू, और डी कितना था बी माइनस ए और ए प्लस सी, तो सी प्लस बी माइनस टू ए, सी प्लस बी माइनस टू ए, बेटा ये क्वेश्चन देखो और बड़ा आंसर क्या है, ये सब बढ़िया बेटा, अपनी बहुत बढ़िया बेटा, आदित्य ने आंसर दे दिया है, सोनू ने आंसर दे दिया है, एन एन की वैल्यू बेटा ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है भानु अनमोल अनमोल से हो दिया बोला भानु बेटा ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला लिखा किस लिए था हमने सर, जीवा सी है, ये फॉर्मूला लगाना बेटा, ये फॉर्मूला सी आ रहा है फिर, और उन बच्चों ने सी आंसर दे दिया, पहले सर एन निकालो, हाँ तो पहले एन निकाल के रखोगे जो टाइम लग रहा है, और हमने ये डायरेक्ट एल की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी और डी की वैल्यू रख दी, ये देखो सॉल्व कैसे बता रहा है, एल की वैल्यू ए की वैल्यू प्लस डी की वैल्यू बी माइनस ए और अपॉन टू डी की वैल्यू बी माइनस ए और ए प्लस सी, सीधा आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर मालूम चल गया तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो डायरेक्ट लिख लोगे कि नहीं, ये ऐसा लिख लोगे कि नहीं, अगर ये मालूम चल गया तो इसका आंसर तुम ऐसा लिख दोगे 10 सेकंड में कम से कम, है ना। और अभी हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा और ऑप्शन लिखे और जब तक बच्चों कमेंट्स आ गए थे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि फार्मूला बता दिया और वो बच्चे जो ऑनलाइन है वो कुछ दिन से पढ़ रहे हैं तो उनकी अब प्रैक्टिस में आ गई है, वो हमारी लैंग्वेज को समझने लग गए हैं और वो हमारी स्पीड पर अब चलने लग गए हैं, तो जैसे हम लिखते हैं तुरंत वो समझ के और तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं, अब उनकी आदत में आने लगी, स्पीड उनकी आदत में आने लगी है, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम्हें भी कोशिश करना है, समझना है और स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना है, पहले करेक्ट उसके बाद फिर स्पीड,
शुरू में स्पीड नहीं, अगर शुरू में स्पीड बढ़ा दोगे तो वो नुकसान कर जाएगी, समझे। गाड़ी चलाना मान लो सीख रहे हो, अच्छे सीख पाए नहीं हो, हाईवे पे चले गए 120 की स्पीड छोड़ दी तो निपटोगे, खुद निपटोगे, गाड़ी निपटेगी, ठीक है। तो पहले तो आराम से सीखो, जब सीख जाओ फिर चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही पढ़ाई में भी करना है कि पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, धीमे धीमे चलना है, उसके बाद स्पीड बढ़ानी है ना। फिजिकल भी तुम लोगों का होता है, पढ़ाते पढ़ाते बीच में 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं तो अब वो काम की बात होती है कि तुम लोग अगर देते हो कोई एग्जाम तो डिफेंस का दे रहे हो, उसके बाद उनका फिजिकल भी होता है, ठीक है। और फिजिकल में क्या है कि मान लो तुम्हारी दौड़ होती है, अगर दौड़ की प्रैक्टिस तुमने पहले से धीरे धीरे की हुई है और मान लो तुम प्रैक्टिस करते हो दौड़ की, और पहले दिन तुम अगर मान लो 4 किलोमीटर बहुत फास्ट दौड़ते हो तो बताओ दूसरे दिन दौड़ने लायक रहोगे क्या, सही है। लेकिन अगर धीमे धीमे पहले प्रैक्टिस की तुमने और फिर 4 किलोमीटर तक पहुंच गए और फिर तुम कितनी भी स्पीड बढ़ाते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर बॉडी थोड़ी हैबिट में आ जाती है फिर। और फिर तुम वहाँ फिजिकल देने गए, दौड़ा ले, कैसे दौड़ाना है, कपड़े उतार के दौड़ाना है कि पिनाके दौड़ाना है, जूते से दौड़ाना है, चप्पल से दौड़ा, दौड़ा ले प्रैक्टिस में, कल करके आए, कल दौड़ के आए, आज क्या हो जाएगा, कल हम 2 किलोमीटर दौड़ के आए तो आज 1 किलोमीटर दौड़ाना है, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, आज भी दौड़ जाएंगे, सिंपल सी बात होती है। तो ये बेटा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, अगर तुमने यहाँ प्रैक्टिस कर ली एग्जाम में कोई रोकने वाला नहीं है, ना तो तुम्हें फिजिकल में ना रिटर्न में, सही कह रहे हैं हम ये बात। तो चलो बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी कभी कभी हम बीच बीच में ही भूलते रहते हैं, और क्या भूलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। तो चलो ये तो हमने लास्ट फॉर्मूला बताया, उसी का यूज बता दिया कि देखो बेटा ये काम आएगा, अब बेसिक पर भी आ जाते हैं। चलो तो बेसिक पे मान लो आते हैं, वही एग्जाम पर देखते हैं कि मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है 2 है 4 6 और डेड डेड डेस, ये 2020 है और इसके मान लो पदों का योग निकालना है। तो पहला क्वेश्चन इसका लिया मान लो कि इसके है ना 10 पदों का योग, 10 पदों का योग निकालना है मान लो, ठीक है। तो सिंपल है, पहले ए कितना है अपना 2 है, बी कितना है 2 है, एन कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 into d। ये फॉर्मूला लिखा था सेकंड नंबर पे कि नहीं, देखना सेकंड नंबर पे ये लिखा था क्या, चेक करो, यही था कि और कुछ था कि जल्दी जल्दी कुछ कर लिख गए, यही तो था। तो लगा फॉर्मूला, एन कितना है 10 10 अपॉन 2 2a यानी कि 4 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो गया, डी कितना 2 दिया हुआ है तो ये आ गया 5 9 18 4 22, 5 × 10 5 × 10 11 110। चेक करो बेटा, देखो चेक करो, चेक करो आंसर 110 आ रहा है क्या, खास बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और एक बार वो हैबिट में आ गई तो फिर क्या उठन होने लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान देखो यार, बार बार कह रहे हैं, पहले दिन से कहते हैं कि थोड़ी स्पीड को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर अपन स्लो स्लो चलते रहेंगे तो क्या है कि पढ़ने में तो आनंद आएगा तुम्हें, ठीक है। अरे यार पढ़ा बहुत बढ़िया यार, मज़े आ गए, देखो यार, लेकिन वो आनंद जो होगा वो एग्जाम में तो ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारी अगर वही आदत है 2 + 3 = 5 तो वहाँ टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें दिख गया 2 + 3 = 5 खत्म। अब 2 + 3 में क्या कौन सा फॉर्मूला है, तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे, भले ही अभी नहीं है प्रैक्टिस या है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर जोड़ घटाव की अगर प्रैक्टिस सही है, अगर स्पीड से कर लेते हो तो एग्जाम में टाइम उसमें बच जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसी का सेकंड पार्ट होता, इसके कुल पदों का योग पूछा जाता है ना, ऐसा इसमें बीच में प्लस लगा देते, बीच में ऐसा प्लस लगा देते यहाँ पर कि बताओ श्रेणी का योग कितना है,
श्रेणी का अगर योग पूछा जाता तो फॉर्मूला थर्ड वाला लगा लेते, पूरा श्रेणी का योग पूछा जाता, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ सीरीज अगर पूछा जाता तो फॉर्मूला नंबर थर्ड लगाते। एल कितना है 2020 माइनस ए कितना है 2 प्लस बी कितना है 2 अपॉन 2 डी 2 और ए प्लस एल 2022 2 से 2 कट गया कितना आ गया 4 पंजा 20 और इनटू 2022। अब ये इनटू इनटू कर लो आंसर कर आ जाएगा। ठीक है कोई काम कराया एल माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 डी। ठीक है बोलो समझ आ गया क्या? अवनीश बेटा फर्स्ट वाले से कर सकते हैं, उसमें क्या होगा फर्स्ट वाले में क्या होगा ये वाला क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट अगर फर्स्ट वाले से करोगे तो पहले यहां निकालना पड़ेगा, दिक्कत कोई नहीं है, वो तो है कोई वाला है फर्स्ट वाला तो यही है वो, ये भी फर्स्ट वाला ही फार्मूला है बेटा, हमने उसको थोड़ा ट्राई करके डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पहले एन निकालना पड़ेगा, तुम पहले एन निकालना फिर उससे सॉल्व कर लेना, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा और कुछ नहीं है, सही है ना? तो टाइम बचाने के लिए हमने बोल दिया है इसलिए ऐसा हो जाएगा, बाकी तो फर्स्ट से कर सकते हैं, वो फर्स्ट वाला ही फार्मूला है, वो फर्स्ट वाला ही है, हमने उसको थोड़ा सा डायर लिख दिया है, वो तो फर्स्ट वाला ही है बेटा। तो कुछ नया भी सीखना है, ऐसा नहीं है कि जितना 11th में पढ़ा हुआ था केवल उन्हीं का यूज करना है, अगर उन्हीं सब चीजों का यूज करते रहेंगे तो फिर एग्जाम में टाइम नहीं बचा पाएंगे, एग्जाम में टाइम बचाना है। समझ में आ गई बात क्या? बोलो बेटा ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो बेटा अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो एक चीज को समझ लो, एक जनरल फिर से एक मिनट के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना तीन तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बेस, बड़ी बिल्डिंग बनानी हो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो पहले बेस बनाना पड़ता है, राम मंदिर अभी बन रहा है लेकिन अभी उसकी पहले बुनियाद बन रही है, ऐसा नहीं है कि वो गुंबद पहले बन जाएंगे, तो कोई सा भी काम करना है पहले बेस करना पड़ता है क्लियर, तो बेसिक पहले पढ़ना पड़ेगा, बगैर बेसिक के आप आगे कुछ तैयारी नहीं कर पाएंगे, अगर डायरेक्ट ट्रिक पढ़ते रहोगे ओनली ट्रिक्स तो फिर वो ट्रिक्स काम नहीं आएंगे तुम्हारे, तो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो उसका पहले तुम्हें पढ़ना है बेसिक। ठीक, और अगर कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नया पढ़ना पड़ेगा, अगर ओनली बेसिक से ही सब कुछ होना होगा तो फिर 25 क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं होने वाले, फिर तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ नए नए फार्मूले कुछ ट्रिक देखने पड़ेंगे जिससे क्या हो कुछ जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर फिर आती है ट्रिक्स, अगर सारी चीजें अगर क्लियर हैं बेसिक है अच्छा चीजें पड़ी हुई हैं तो फिर ट्रिक्स काम करती हैं, ट्रिक्स भी कुछ नहीं होती हैं बस थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन वाले काम हो जाते हैं, तो पर तीन चीजें हैं। चलो मान लो अगर सोचते हो कि सर कुछ ट्रिक होती हैं कुछ है तो ट्रिक का नंबर आता है फिर तीसरे नंबर पे, सबसे पहले बेसिक पढ़ना उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना ही पढ़ना है, ओनली बेसिक पढ़ते रहोगे तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लंबे लंबे फॉर्मूलों से सॉल्व करोगे एग्जाम में फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ओनली बेसिक से काम नहीं चलेगा, कुछ नया भी पढ़ना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना पड़ेगा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो, और उसके बाद कुछ ट्रिक्स भी होती हैं वो भी सीखनी पड़ेगी उनका भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है तो ये सब कुछ करना है, ध्यान रखना पढ़ने जा रहे हो पढ़ रहे पढ़ रहे कुछ भी है तो ध्यान रखना कि बेसिक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एक्स्ट्रा भी सीखना है कुछ नया भी सीखना है और फिर ट्रिक्स भी सीखनी है, सब कुछ करना है, किसी एक को लेकर चलोगे तो नहीं होने वाला काम, केवल बेसिक पढ़ लिया नहीं होने वाला। ठीक है,
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी, बेसिक मालूम ही नहीं होता क्या है, ईपी मालूम नहीं होता क्या है, उसका अंत का मालूम नहीं होता क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें फालतू फालतू पढ़ ली तो अभी कुछ काम नहीं आना। और ट्रिप तो फिर आई ही नहीं, ट्रिप तो लगा ही नहीं पाओगे फिर, जब बेसिक ही नहीं मालूम ट्रिप कहाँ लगा लोगे। तो ध्यान रखो कोई सा भी सब्जेक्ट हो तुम्हें इस तरह से चलना पड़ेगा, तभी वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है सर, तो चलिए बेटा और एग्जाम्पल लेते हैं, समझाइए एग्जाम्पल और लेते हैं। हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करना चाहिए, और अभी जैसे सम का कॉन्सेप्ट कर लिए, अब मान लो कि अर्थमेटिक में दे गया है, जल्दी जल्दी सर अर्थमेटिक में भी बता दो, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है हड़बड़ी में, एक ही दिन हम तो सब कुछ करवा देंगे, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ सुनना आना चाहिए। तो इसीलिए आज सम पर ही रोकेंगे बात, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो मान लो कि सम निकालना है तुम्हें, एपी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो हाँ थ्री प्लस एट प्लस थर्टीन, ठीक है, और इसके मान लो तुम्हें निकालना है, चलो सिंपल ले लो दस पदों का योग, दस पदों का योग सम ऑफ टेन निकालो बेटा कितना आ रहा है, इसके दस पदों का योग निकालो कितना आ रहा है, सम ऑफ टेन टर्म्स कितना आंसर आ गया कपिल देव का आंसर आ गया है कितना कपिल ने भी आंसर नहीं दिया, एक चेक ऑनलाइन है कपिल बेटा तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, कपिल ने आंसर दिया 255, 255 बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही। तो मान लो अगर क्वेश्चन था बगैर किसी ट्रिक के कितना टाइम लग रहा है, एक मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, एक मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, नहीं तो बस ठीक है, इतना टाइम तो एग्जाम में मिलता है। ठीक है 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 में से सारे 25 तो करना नहीं है, लगभग 20 का एक अंदाज लेकर चलो कि मान लो 20 करना है, उसमें से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर 2-5 सेकंड में आ जाता है, 25 में से 5 तो कम से कम ऐसे होंगे जो देखते ही आंसर मालूम होते हैं, कुछ फॉर्मूले पूछ लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो 5 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गए, अब कितने रह गए हमारे 15 क्वेश्चन और कम से कम 12-13 मिनट आराम से हो जाते हैं, और उनमें से 15 में से भी मान लो 10 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो 10-20-30 सेकंड में हो रहे होंगे, है ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं केवल जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें जो तुम्हें सॉल्व करने नहीं है, समझे, ऐसे लग रहा है कि यार कुछ तो भी पटांग है कुछ क्वेश्चन, या तो लेंदी क्वेश्चन होगा, मुझे मालूम है सॉल्यूशन तो आता है कर लूंगा मैं, पर लेंदी होगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं, लास्ट में टाइम बचे तो टच कर लो उनको, नहीं तो छोड़ दो उनको, क्या करना, अगर तुमने 25 में से 20 सॉल्व कर दिए बस हो गया काम, अब क्या करना है, समझे, क्योंकि हाँ टोटल जो है अगर तुम्हारा टोटल नंबर अगर 40 के करीब आ गए तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन हो ही गया, ठीक है टोटल 40 सब में पास होना जरूरी है, पास होने के समय कितने नंबर आने क्या सब्जेक्ट में पास होगी, हाँ उसमें ऐसा होता है, नहीं वो कभी कभी करते हैं कम ज़्यादा 7-8 नंबर का है वो हर सब्जेक्ट में, 7-8 नंबर हर सब्जेक्ट में चाहिए। तो मान लो तुमने अब जैसे मान लो फिजिक्स है उसमें तुम 8 नंबर ले आए है ना, या 10 नंबर ले आए करीब, और इंग्लिश में भी तुम 10 नंबर ले आए, 10-10-20 वो हो गए, और 20 नंबर तुम इसमें ले आए, हो गया काम अपना, खत्म, क्या करना है, ठीक है
तो 25 में से इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से 15 15 20 20 नंबर आ जाते हैं, है ना, सब पढ़ी हुई चीजें रहती रटी हुई चीज रहती है। तो 15 नंबर मान लो इंग्लिश में आ गए, 20 नंबर तो मान लो मैथ्स में आए, ठीक है, 30 35 हो गए, फिजिक्स में तो पास भी अगर हुआ तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ढंग से पढ़ते रहते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो, तो मैथ में 15-20 नंबर लाना बड़ी चीज है ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चों के नंबर, मैक्सिमम लोगों के नंबर, बच्चों के नंबर 15-20 के बीच में आ जाते हैं, और कुछ बच्चों के नंबर तो फुलाते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पता कर लेना चाहो तो पुराने जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए हमसे, कि कुछ बच्चों के तो फुल नंबर आते हैं, 24 नंबर 25 नंबर 24 नंबर 25 नंबर, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और एवरेज 15-20 के बीच में तो एवरेज बच्चे निकलती है, मैथ्स में तो 15-20 के बीच में नंबर बच्चों के आ ही जाते हैं। तो समझ आ गया जी, एपी तो आज क्या होगा, एपी क्या होती है, उसका एंथ टर्म है ना, सम ऑफ एंथ टर्म्स, ये सारी चीजें हो गई हैं, सिंपल सिंपल से एग्जांपल होते हैं, ढेर एग्जांपल अपन करेंगे, अपने पास बहुत मटेरियल है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल, ठीक। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर आया सब लोगों का, ब्रजेश तुम्हारा भी आंसर सही है, 255 बिल्कुल सही आंसर है। तो कपिल, ब्रजेश, अवनीश, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो बेटा, और ये तीन चीजों को दिमाग में रखना है, हमें अगर पढ़ना है कुछ तो ये तीन चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा हमें, एक्स्ट्रा भी सीखना पड़ेगा और ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना, टाइम टू टाइम हम तुम्हें ट्रिक्स भी बताते रहेंगे, ठीक। तो आज अपन इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं कल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।